लोग सही कहते, खुशियां कांच की होती है और किस्मत पत्थर की। एक ठोकर लगी और सारी खुशियां टूट गई। पर नानी, हॉस्पिटल से फोन आया था, वरुण के अंतिम संस्कार के लिए फोन आया था। साहिल, पुत्र, जिंदगी में बड़े दुख देख लिए हमने, अनिका और शिवाय की जल्दी चिता देख ली पुत्र, और नहीं देखा जाएगा। नानी तो मैं और राधिका ना देख उसके हाल, पुत्र वो खुद अपने को नहीं संभाल सक रही, तो बड़ा दुख कैसे संभालेंगे। नानी फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। सर, मैंने आपका नाम बहुत सुना है, मुझे पता है कि आप शिवान सर को बचा लेंगे, इसी केस ले लेना, मुझे पता क्या आपके आपकी फीस है और अब मैं दे दूंगी, तब तक आप ये रख लीजिए, ये ना मिस चूनी ने मुझे बहुत प्यार से दी थी, मेरी जिंदगी में ये जो घड़ी है ना बहुत कीमती है, आप ये फी के तौर पर रख लीजिए, मैं बाकी के पैसे मैं बाद में दे दूंगी। मैं उनका केस लेके क्या करूंगा जब वो खुद ही अपना जुर्म अपने मुंह से कबूल कर रहा है। मैं क्या, दुनिया का कोई भी लॉयर उन्हें नहीं बचा सकता। इट्स ओपन एंड शट केस। सर, वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो ये सब जो कर रहे हैं ना वो मजबूरी में कर रहे हैं। तो आप पहले इस वजह का पता लगाइए कि वो झूठ क्यों बोल रहे हैं, तभी मैं डिसाइड करूंगा कि ये केस मुझे लेना है या नहीं। तूने जो जो मंगाया था मैं सब लेके आया हूँ, लेकिन एक बार फिर से सोच ले, तू ये करना चाहता है। मैंने फैसला कर लिया मैम, फिर पुलिस को मोड़े का मोटिव चाहिए, मुझे करना पड़ेगा, आप दीजिए मुझे। शिवांश, जो तू ठीक समझे। इस पर तेरी उंगलियों के निशान चाहिए, आपको ये कहां से मिला? एविडेंस रूम तक पहुंचने के लिए कुछ पैसे के लायक काम हो गया, अब जल्दी कर, वापस आना है मुझे। पुलिस का क्या करना है? मुझे नहीं, मुझे पेन चाहिए, मुझे मेरे टैक्स पेपर्स हैं, इनमें मैंने कुछ जीरोस ऐड कर दिए हैं, ऐसा लगना चाहिए कि वरुण टैक्स की चोरी करा था, मैंने उसे पकड़ लिया और इसलिए मेरे हाथ उसका मर्डर हो गया, इससे पुलिस को मोटिव मिल जाएगा। आप प्लीज रख लीजिए इसे, आप सब मान लेंगे कि मैंने वरुण का मर्डर किया। शिवान सिंह ओबरॉय ने अपने जीजाजी मिस्टर वरुण मेहरा का मर्डर क्यों किया, उसकी गुत्थी लगभग सुलझ चुकी है। सूत्रों से हमें पता चला है कि इसका कारण है पैसा। वरुण मेहरा, जो शिवान सिंह ओबरॉय के बिजनेस हैंडल करते थे, उन्होंने टैक्स में घपला किया, इसके कारण दोनों के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हुई और ये लड़ाई हाथापाई पे पहुंच आई और आखिर में शिवान सिंह ओबरॉय ने गुस्से में आकर अपने जीजाजी वरुण मेहरा का मर्डर कर दिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि जिस हथियार से वरुण मेहरा का कत्ल कर दिया गया है, उस हथियार पे मिस्टर एसएसओ के फिंगरप्रिंट पाए गए हैं। वैसे केस बहुत ही साफ है, क्योंकि शिवान सिंह ओबरॉय ने खुद ही इकबाल एजुर्म करके इस केस को आसान कर दिया है। अब इंतजार है तो सिर्फ कोर्ट के फैसले का।
सर पता नहीं क्यों बर्डर का इल्जाम अपने सर पे ले रहे हैं। क्या करूं, कोई कोई वकील ये केस लेने को तैयार भी नहीं है, फिर कैसे प्रूफ करेंगे कि वो बेकसूर है। मैं